बुलडोजर वाले बाबा के नेताओं की तानाशाही बढ़ती जा रही है। पार्टी के जिम्मेदारों ने अब गरीबों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी हैं, जबकि बुलडोजर बाबा अपने रसूख और शक्ति के मामले में देश और प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद भी पार्टी के जिम्मेदार खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। फरियादी ने प्रशासनिक अधिकारी से गुहार लगाई है, लेकिन फरियादी की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब फरियादी ने मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए लखनऊ तक 400 किलोमीटर का सफर तय करके मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। दरअसल अमरोहा जनपद निवासी कैलाश 50 किलोमीटर का सफर तय करके मुरादाबाद पैदल पहुंचे। जिसने भी उन्हें सड़क पर पैदल चलते हुए देखा, सभी हैरान रह गए। सफ़ेद कुर्ता और उस पर लाल रंग से अपना संदेश लिखे उसे पहनकर वो लखनऊ की ओर रवाना हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2014 में भगवान दास सैनी से 450 गज जमीन खरीदी थी, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण 2017 में पैसे की आवश्यकता पड़ी तो मैंने 1.5 लाख रुपये राम सिंह सैनी से उधार लिए। हालांकि रामदास सैनी ने पैसा देने की एवज में अपने भाई के नाम संत राम के नाम एग्रीमेंट कराया था। कुछ समय बाद उनके पैसे भी वापस कर दिए। उसके बाद पुलिस द्वारा मेरे रिश्तेदार को डरा धमका करके अपने बेटे रवि के नाम बेनामा करा लिया। मुझे पता लगा तो प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिला, जिसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राम सिंह सैनी बहुत बड़ा भूमाफिया है। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इस भूमाफिया के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा नाम कैलाश सैनी है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं अमरोहा से आ रहा हूँ और जाऊँगा लखनऊ। अच्छा, ये आपकी जो ड्रेस आपने पहन रखी है, क्या लिखा हुआ है? जी, इस पे लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा, बीजेपी नेता राम सिंह सैनी ने 20 लाख रुपए की जमीन हड़पी। क्या जरूरत? ये इसलिए लिखवाया जी, मैंने जो मैंने अपने रिश्तेदार से 2009 में वो 2014 में जमीन खरीदी थी मैंने 450 गज, और 2017 में मुझे जो है 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता हुई, जो कि मैंने राम सिंह बीजेपी नेता राम सिंह सैनी से कहा, मन की भाई 1.5 लाख रुपये चाहिए हमें, तो बोले मिल जाएंगे, आपको किसी चीज़ का एग्रीमेंट कराना होगा। जो जमीन 450 गज मैंने अपने भगवान दास सैनी से खरीदी थी रिश्तेदार से, मैंने उनसे कहा मन की भाई एग्रीमेंट होना है, बोले एग्रीमेंट कराओ या बैनामा कराओ, हमारा तो पैसा हमें अदा हो गया है, अब तुम कुछ भी कराते रहो। तो मैंने राम सिंह सैनी ने अपने भाई संत राम के नाम पे एग्रीमेंट करा दिया। अब जब मेरे पास पैसे का बंदोबस्त हो गया तो मैंने इनको पैसा भी अदा कर दिया, लेकिन इन्होंने मेरे रिश्तेदार को डरा धमका के और अपने लड़के रवि के नाम पर बैनामा करा लिया। जब मैं इनके उस गाँव में पहुँचा, पता लगा, बोले जो जमीन कैलाश आपने खरीदी है राम सिंह ने अपने लड़के के नाम पर बैनामा करा लिया है। मैंने सब काफ़ी पंचायतें की, लोग इधर तो अभी गया, मैं अधिकारी के पास भी गया, लेकिन कोई मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरी बात को सुन रहे हों, वो इसको मेरे गंभीरता से लें और इस बीजेपी नेता राम सिंह सैनी भूमाफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री तक, मैं सर आ रहा हूँ अमरोहा से और जाना मुझे जो है लखनऊ में। हाँ जी, पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, क्या करें बताओ, मैं तो पैसा नहीं है। लोग लड़के भी बेचारे कहते हैं बोल तुमने क्या करा अपनी ज़िंदगी में, कुछ कमाया नहीं, मैंने जो मैं कमाया बताओ। तो मैंने तो वहाँ जगह ले ली थी, अब जगह छीन ली इन लोगों ने। अब मैं ये चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस इसमें जी मैंने करी थी साहब उनके यहाँ ADG के, हमें गया था, मैं ADG हैं वो क्या नाम IG साहब के गया था, उन्होंने भी आदेश करे थे, लेकिन वहाँ जा करके ये जो है उनके कलपट में बैठ जाता है और जैसे चाहता वैसे ये वहाँ पर रिपोर्ट बनवा लेता अपने अपनी मर्जी से। जो करिए जी, वो जो है राम सिंह सैनी है बीजेपी नेता क्या, और मैं ADG जी के पास भी गया था वहाँ जी, ये किसान मोर्चा अध्यक्ष लिए जी, ये मोहल्ला खालसा पड़ता है अमरोहा में मोहल्ला खालसा, मैं खालसा में रहता हूँ। इन्होंने अपना नया मकान बना लिया प्रीत बिहार कॉलोनी में। जी, जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मेरे दिमाग ने जोर दिया, मैंने उस पर एक वहाँ बैठा था मैं, उसमें क्या नाम DM साहब के यहाँ, तो मैंने उसमें लिखवाया था जिलाधिकारी और वो माफिया राम सिंह सैनी से मेरी जमीन वापस कराओ, तो वो बैनर मुझसे छीन लिया गया, बोले आप कहीं नहीं बैठोगे यहाँ पर। तब मैंने आइडिया बन गया, एक कपड़ा बनवाओ अपना सा और उस पर लिखवाओ, और कुछ कोई कहने की जरूरत नहीं है, सब लिखवाओ, उसी को मौजूद होगा।